इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, अब सिर्फ आपसे मुझे इतनी मदद चाहिए कि आप यावर में जाके घर पे रेड लगवाइए। मुझे यकीन है बदीमा हमें वहीं से मिलेंगी। जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? यावर मिर्जा के घर मैं रेड लगाऊ? वो कोई क्रिमिनल है या फिर कोई सड़क छाप गुंडा है वो, जिसके घर मैं जाकर रेड लगाऊ? और तुम किसकी परमिशन से ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? और कौन सा कानून अलाउ करता है तुम्हें? सर, मुझे मेरी बीवी को ढूंढने के लिए किसी भी कानून के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं थी, जो कुछ हुआ गलत वो मेरे साथ हुआ है। अब उसे ठीक करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप यावर मिर्जा के घर रेड लगाएंगे या नहीं? नहीं, यही मेरा आखिरी जवाब है। हेलो, जी सर, वो बैठा है मेरे सामने। सर, ये लड़का यावर मिर्जा के बारे में, जी ठीक है सर, ओके सर, खुदा हाफिज़। तुमसे किसने कहा कि लड़की यावर मिर्जा के पास है? अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं 10 मिनट में। 10 मिनट में आपके सामने नसीबा की हकीकत भी खुल जाएगी और सच्चाई भी सामने आ जाएगी। चलो सर, अभी? हाँ, अभी। नहीं, आपने आपकी सारी दवाइयां मुझे दे दी, मैंने समझ ली, वक्त पे खिला दूंगी। ठीक, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। कुछ और चाहिए होगा तो जबान है मेरे पास, मांग लूंगा। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर है, तुम सुनाओ, काफी दिन बाद याद किया। भाई, कुछ बात ही ऐसी है कि आपको फोन करना पड़ा। खैरियत? आप अकेले हैं ना? एक सेकेंड, तुम जरा बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए। जी। कहो, अब मैं अकेला हूं, क्या बात? एक लड़की है वदीमा, कराची से लापता हुई थी। उसका शौहर लाहौर पहुंच गया है और उसे पता चल चुका है कि वो लड़की आपके पास है। क्या बकवास कर रहे हो? किस हरामखोर ने कहा है? ऐसा कुछ नहीं है। यावर साहब, आप खामोखा मुझ पे गरम हो रहे हैं।